महत्वपूर्ण तथ्य। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके प्रस्थापक महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध थे। बुद्ध धर्म भारत की श्रवण परंपराओं से निकला धर्म और दर्शन है। इसके प्रस्थापक महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध थे। वे 563 ईसाई पूर्व से 483 ईसाई पूर्व रहे। ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोनों धर्म के बाद यह दुनिया तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे कई देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशियाई का ज्योति बुद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसाई पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधर शाक्य कण के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ माया देवी के देहांत हो गया था। सिद्धार्थ की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनको पाला। इसके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंड पाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो गया। इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिला वस्तु की सैर से निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, श्रम, एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया। जैसे बौद्ध धर्म के महाभिनिष्करण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलास कलाम से साख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलार कलम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निर्जना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध के नाम से जाना गया। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे वेद धर्म के महापरिणाम निर्माण कहा गया। एक अनुरीति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए 10 चीजों पर जोर दिया। अहिंसा, सत्य, चोरी करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, शराब का सेवन ना करना, असमय भोजन करना, सुखद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, महिलाओं से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। जातक कथा प्रदर्शित करती कि बौद्धिक का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं में भी। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।